जो मैच हो रहा था लखनऊ सुपर जियंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के एक बड़ी जीत मिली है और इस जीत के साथ उन्होंने पॉइंट टेबल्स में दूसरे पायदान पे आ चुके हैं। और अगर इस मैच के बारे में बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, तो उनके बहुत जल्दी जल्दी विकेट गिर रहे थे। अगर बोले तो 7 रन पे 2 विकेट गिरे थे, 44 रन पर 3 विकेट गिरा था और 62 रन पर 4 विकेट गिरा था। उसके बावजूद भी उन्होंने 181 रन पर पहुंच गए। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा फाफ डुप्लेसी, उनके कप्तान, जो कि 96 रन की पारी खेले 64 बॉलों में, हालांकि शतक से थोड़ी सी मार्जिन से चूक गए। और अच्छी पारी देखने को मिली मैक्सवेल से, विकेट तो गिर रहा था पर मैक्सवेल ने आके काउंटर अटैक किए, 23 रन उन्होंने बनाए। और अंत में आते आते कार्तिक ने, दिनेश कार्तिक ने मारने की कोशिश तो किए पर उनका उतना अच्छा शॉट नहीं लगा, उन्होंने भी 13 रन बनाए। उसके बाद जब लखनऊ सुपर जियंट्स ने चेस करने आए, उस उनके क्विंटन डिकॉक ओपनर बल्लेबाज, वो तो बहुत जल्दी आउट हो गए। केएल राहुल खेल रहे थे और वो भी अपना विकेट गवा बैठे हर्षल पटेल के बॉल में। उसके बाद कृणाल पांड्या अकेले ही लड़ते रहे, 42 रन उन्होंने बनाए पर अकेले क्या ही वो कर सकते थे। और यही थी मैच की अपडेट, उन्होंने गवा दिया है मैच 18 रनों से, 163 रन ही वो बना पाए 8 विकेट के नुकसान पर। और बॉलिंग में गजब की गेंदबाजी देखने को मिली जॉस हाजेलहुड की तरफ से, जिन्होंने 4 विकेट लिए सिर्फ 25 रन देकर 4 ओवर में। तो यही थी मैच की अपडेट दोस्तों, ऐसे ही मैच की अपडेट लेके आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय।